What's up, beautiful people? Day 3 आज हमारा, आज हमारी actual vacation day है आज. मतलब आज हम जा रहे हैं पार्क, येलोस्टोन पार्क देखने, finally, दो दिन के ड्राइव के बाद. और सुबह के कितने बजे हैं? सुबह के बजे हैं 6:15, almost 6:15. हम लोग नहा के तैयार हो गए हैं, शिल्पा खाना बना रही है ऑलरेडी. इतना जल्दी क्यों? क्योंकि यहाँ से भी 2 घंटा दूर है, क्योंकि बिल्कुल पार्क में एक्चुअली जगह नहीं मिलती रहने की, और मिलती है तो बहुत महंगी होती है. तो यहाँ से 2 घंटा दूर है और हम बिल्कुल सुबह सुबह जाना चाहते हैं, क्योंकि जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना जल्दी ट्रैफिक कम मिलेगा हमें, क्योंकि बहुत लोग होंगे, बहुत लोग आ रहे हैं आज घूमने. तो हम चाहते नहीं ट्रैफिक में फंसे, राइट? तो जल्दी से जल्दी, इनफैक्ट जल्दी जाएंगे और जल्दी याद भी जाएंगे. तो 2 दिन है हमारे पास, आज चेकआउट करेंगे. मीनवाइल शिल्पा क्या बना रही है आज? ये कुछ ये तो रास्ते के लिए बना रहे हैं, आलू और बन के साथ आई थिंक बर्गर टाइप बना रही है. केचप वेचप घर से लेके आए थे आई थिंक. पता है हम लोग यूजली क्या करते हैं जब ऐसे ही ट्रिप्स पे जाते हैं ना, जहाँ पर जैसे पार्क वगैरह, नेशनल पार्क जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे होटल वोटल ऐसे मिलते नहीं है, तो हम लोग ना अपना सामान लेके आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम टाइम बाहर खाने में ख़राब करें. क्योंकि अगर सोचो आपको लंच पे जाना है तो आप बाहर जाओगे कहीं पे, 1 घंटा तो उसमें लग जाएगा आराम से. तो इसमें हम लोग ये पे लेके चलते हैं, कार में खाते हैं, टाइम बचाते हैं. मैंने सोचा आपको बाहर का भी दिखा दूँ. ये देखो अंधेरा अंधेरा, सुबह के 6:15 हैं यहाँ पर. कार हमारी बिल्कुल पार्क्ड है घर के बाहर ही, और थोड़ी ठंड भी हो रही है यहाँ पे. एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ी ठंडक भी है. लकीली हम लोग अपनी जैकेट वगैरह लेके आए हैं, तो जैकेट भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि मे बी वहाँ पर ठंड ना मिल जाए हमें. आपको चीज दिखाता हूँ, एंड डू नॉट ट्राई दिस एट होम, कि कार में जो लेन असिस्ट है ये ना अंदर ले आती है बार बार. ये देखो अंदर आई, फिर अंदर आई, देखना ये अंदर आई, ये अंदर आई. अब गाड़ी कह रहे कि लेन डिपार्चर वार्निंग, कह रहे तुम दारू वारू पी के आए, क्या अंदर रखो भाई. ये देखो फिर अंदर आई. आज की जर्नी शुरू हो चुकी है, 11.9 माइल्स, 12 माइल ऑलरेडी चला चुके हैं. बाहर का टेम्परेचर दिखाओ शिल्पा, 44 डिग्री फ़ारेनहाइट. और याद है 35 में तो बर्फ मिल गई थी हमें लास्ट टाइम, लास्ट में गए थे हम. अभी 37 भी तो दिखा था, बीच में 37 गया. बर्फ नहीं पड़ी फिर अभी तक, समर है ना इसलिए. फॉग इतनी ज्यादा दिख भी नहीं रही. वाओ, बड़ी फॉग देख ले भाई. आराम से चलाना, बिल्कुल आराम से चलना, जितना दिख रहा है उतना उसके हिसाब से चलते हो. अचानक से आ गई ना. ऑस्बोर्न ब्रिज. फॉग लाइट ऑन कर दी मैंने कार की, आई थिंक इतना ही था, देखो अब ठीक हो गया. अचानक से ओ क्लियर, क्या हो गया, आ गई, आ गई. वो सिर्फ पीछे पीछे थी वहां पे. अरे वो कर गई. सुबह देखो हमारे पास क्या है. अनुपास सारे उसका है ना, ये सारे पार्ट्स का, सारे पार्ट्स यूएस के सारे पार्ट्स. अब
गाइस बाइसन अभी एंटर करे और एंटर करते ही हमें बाइसन दिख गया। वाओ अमेजिंग, बड़ी ने देख लिया बड़ी ने। सुबह तुम्हें पता है कश्मीर में भी ऐसी है, सड़क के साइड में पानी चलता रहता है और पीछे लंबे लंबे पेड़ है ऐसे। कितना ब्यूटीफुल है ना वहाँ कश्मीर में रहना। इंडिया में भी बहुत सारे पार्ट्स है ना जो बहुत ब्यूटीफुल है ऐसे। बहुत वेरी नाइस, कितना ही सुंदर लग रहा है देखो पानी, और ऊपर सनलाइट पड़ रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है। एक और बाइसन ये, और देखो यहाँ पे कितना ट्रैफिक जाम हो गया। हाँ, उनको देखने के लिए बस। वाओ कितने ह्यूज है ना, बड़ी भी देख रहे हैं। बाइसन बड़ी भी देख रहे तो गाइस फाइनली वेलकम टू येलोस्टोन। हम पहुंच गए येलोस्टोन। मैं इसलिए जानबूझ के येलो कलर की पहन के आया हूं क्योंकि येलोस्टोन में येलो नहीं पहनेंगे तो फायदा क्या हुआ, राइट? हम बड़ी भी आए हैं पर थोड़ी सी ठंड है तो शिल्पा ने अपनी जैकेट पहन ली है, मुझे इतनी नहीं लग रही है तो मैंने नहीं पहनी है, बट अभी पहनने वाला हूं मैं। 37 डिग्री फारेनहाइट है पर पहन लूंगा मैं भी जल्दी। बाय द वे क्या एंट्री हुई हमारी, मस्त। बाइसन ही दिख गया आते ही, सीधा आते ही बाइसन दिखा सबसे पहले एंट्री करते ही। और लाइक बाइसन भी लाइक बाइसन सोच रहा होगा यार लाइक पॉटी भी नहीं करने देते लोग, मैं आया हूँ फोटो खींच रहे लोग मेरी, यू नो व्हाट अ प्राइवेसी। बट हमने अभी ब्रेक लिया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है, इतना प्यारा व्यू है मेरे सामने। लेट मी शो यू ये हैं सामने फिशर्स हमारे जो ज़मीन से निकल रहे हैं। इट्स बेसिकली गीजर्स गाइजर्स, पता नहीं US एक्सेंट में इसको गाइजर्स बोलते हैं, और कितना प्यारा लग रहा है देखने में और कितना क्लियर सब कुछ क्लियर बिल्कुल अमेजिंग। कितना बड़ा नेशनल पार्क है। अरे छोड़ा था तब तो फिशर्स थे, ये कौन आ गया सामने। हमें फिर से बाइसन दिख गए और अजय अपना कैमरा लेके फोटोज खींच लग गए। चलो कैसे है? दिख नहीं रही, बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। बड़ी हम अभी आ रहे हैं, ठीक है। अनस्टेबल ग्राउंड बॉइलिंग वाटर नो डॉग्स अलाउड। तो ये बर्ड हो गए क्या? प्लीज गाइस लुक एट दिस बॉइलिंग वाटर। वाओ ये वाला पॉइंट दिखाता हूँ आपको, कितना बॉइलिंग है। ओ माय गॉड, क्या आपको ब्लू कलर दिख रहा है इसके अंदर, अमेजिंग। गाइस आपको ये तो हमने बताया नहीं कि बॉइलिंग क्यों है, गर्म क्यों है। ये सारा एरिया पूरा नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क वोल्केनिक एरिया के ऊपर बेस्ड है, मतलब लाइक नीचे वोल्केनिक एरिया है, कुछ एक्टिव वोल्केनो तो कोई नहीं है पर नीचे बहुत गर्मी है इसलिए इरप्ट होता रहता है। इरप्ट नहीं मतलब नीचे जो नीचे की गर्मी ऊपर निकलती है, तो जहाँ पे भी फिशर्स हैं जो गीजर्स हैं US में गाइजर्स बोलते हैं पर जो गीजर्स हैं वहाँ पर कई बार है ना वाटर फिशर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर है ना बहुत फेमस ओल्ड फेथफुल करके एक गीजर पॉइंट है, वहाँ चलते हैं।